जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 सितंबर और 27 सितंबर के कन्या राशि फल के बारे में कन्या राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसी होंगी क्या शुभ योग बनेंगे क्या शुभ तिथि होगी जो आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगी और किस तरह से प्रभावित करेंगी शिक्षा को कार्य को नौकरी दुकान व्यापार हर चीज़ को सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो चलिए जान लेते हैं इन दो दिनों की तिथि नक्षत्र और योग के बारे में छब्बीस सितंबर की बात करें तो ये शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है उत्तर साढ़ा नक्षत्र है अति गण नाम का इस दिन योग बनेगा और ये शनिवार का दिन है इस दिन चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में होगी और सूर्य है जो है वो कन्या राशि में चल रहे हैं मकर राशि में शनि भी हैं चंद्र और शनि की युति हो रही है इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा पूरा दिन और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो सुबह ग्यारह बजकर अठारह अड़तालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर छत्तीस मिनट तक है रवि योग भी इस दिन बनेगा सुबह से और रात्रि तक सत्ताईस सितंबर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है एकादशी तिथि पुरुषोत्तम एकादशी पद्मिनी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि ये जो मास है ये पुरुषोत्तम मास है अधिक मास चल रहा है और इस मास में जो एकादशी आती है वो भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी होती है वैसे तो सभी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी हैं लेकिन क्योंकि ये अधिक मास है और इसको भगवान विष्णु का ही नाम दिया गया है और जो इस मास में एकादशी है वो बहुत फलदायी होती है और इस दिन बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं इस दिन श्रवण नक्षत्र होगा सुकर्मा योग बनेगा इसके साथ द्विपुष्कर योग बनेगा इसके साथ रवि योग भी बनेगा चंद्रमा मकर राशि में होंगे सूर्य कन्या राशि में है और अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो ये सुबह ग्यारह बजकर अड़तालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर छत्तीस मिनट तक है तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे ये दो दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है क्योंकि जो, जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो दिनचर्या के ऊपर बहुत प्रभावित होती है कन्या राशि के लोगों के लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे सुख भाव में माता के भाव में परिवार के भाव में तो इस दौरान देखिए कुछ सावधानी रखनी होंगी कुछ चीज़ें अच्छी भी रहेंगी पहले जान लेते हैं उन चीज़ों को जहाँ सावधानी रखनी है तो एक दो एक तो इस दौरान देखिए आपका खर्चा होगा घर के सामान पर खर्चा होगा घर के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं कुछ घर में यूज आने वाली चीज़ें कपड़े पर या फिर एक ऐसी ही कुछ खरीदारी आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको अपने बजट के अनुसार चलकर ही खर्च करना होगा वरना आर्थिक दबाव बढ़ेगा तो मानसिक तनाव होगा इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें तो ये जो पंचम भाव की स्थिति है अब पंचम भाव में चंद्रदेव होंगे सुबह के बाद पंचम भाव में चले जाएंगे यहाँ विद्यार्थियों को लिए बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे क्योंकि मकर राशि में है शनि के साथ युति भी कर रहे हैं और शिक्षा के से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय होगा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर बड़ा अच्छा फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे काफ़ी अच्छे से उस पर ध्यान देंगे एकाग्र रहेंगे और जिन सब्जेक्ट्स में जिन विषयों पर वो कमज़ोर हैं उन्हें समझने के लिए प्रयास भी करेंगे अपने बड़ों का सपोर्ट ले सकते हैं मदद ले सकते हैं अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं तो ये जो स्थिति होगी ये काफ़ी अच्छी होगी विद्यार्थियों के लिए इसके अलावा देखिए बुद्ध भी हैं वो भी आपके दूसरे भाव में है धर्म भाव में हैं तो वो भी आपके पारिवारिक जीवन में बड़े अच्छे बदलाव लेकर आएंगे सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं मानसिक स्तर पर भी आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे आपके पद प्रतिष्ठा में यहाँ अच्छा जो वक्त है वो मिलता हुआ दिखाई देगा तो स्थितियाँ कहीं ना कहीं अच्छी हैं क्योंकि बुध तो आपके राशि के स्वामी भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे लाभ बनाएंगे इस दौरान देखिए आपको अपने नियंत्रण के बाहर की स्थितियों में उलझने की जरूरत नहीं है कुछ ऐसी स्थितियाँ आप देख पाएंगे कि जिनमें आप अगर उलझने की कोशिश करेंगे तो स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इसीलिए बेकार की चीज़ों में ना उलझें अपने काम पर ध्यान दें अपनी सफलता पर ध्यान दें अपने धैर्य और साहस को बनाए रखें तो कर काम को अपने को करते रहें काम के हिसाब से लाभ कुछ कम मिल सकता है लेकिन अपनी परेशानियों पर आप विजय पाएंगे परेशानियों को दूर कर पाएंगे समस्याओं को देखो बढ़ने से नहीं रोका जा सकता लेकिन उनको कम किया जा सकता है यह आपके हाथ में है कि किस तरह से आप अपने वक्त को मोड़ते हैं अपने काम को मोड़ते हैं और समस्याओं से निजात पाते हैं आपकी समझदारी अच्छी होगी इन दिनों में और अपनी समझदारी से परेशानियों का हल आप निकाल पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो है वो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं इसीलिए ये थोड़ी छोटी मोटी परेशानियाँ होंगी ज़्यादा हालांकि ज़्यादा बड़ी नहीं है आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा दोनों ही दिन अच्छे रहेंगे आर्थिक रूप से आपने जो समय की मांग थी वो काम किया है अच्छी प्रगति मिलेगी आप अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखेंगे क्योंकि यहाँ शनि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं पंचम भाव में पंचम भाव प्रेम का भाव भी होता है शिक्षा का भाव है शिक्षा के लिए अच्छा है और आत्मसंतुष्टि आपको मिलेगी अपने काम से आप अपने करियर अपने निपुणता पर गर्व महसूस करेंगे अपने काम पर गर्व महसूस करेंगे अपने आर्थिक लक्ष्यों पर भरोसा कर पाएंगे और जब आप अपने काम पर भरोसा करते हैं तो आप आगे बढ़ ही जाते हैं इसके अलावा ये समय देखिए रोमांस के लिए अच्छा है प्रेम संबंध के लिए अच्छा है यहाँ जो आपका प्रेमी है उसके साथ दोस्ती बनाकर आप चलेंगे उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा अगर किसी तरह का तनावपूर्ण माहौल है तो उससे बाहर आ पाएंगे और हल्का फुल्का मनोरंजन भी करेंगे तो इस लिहाज से भी ये जो समय है ये काफ़ी अनुकूल बना हुआ है पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो देखिए पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं आपके लिए समय जो है अनुकूल है इस दौरान आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं जो उन वो आपसे पैसे ज़रूर उधार मांग सकते हैं तो आप उनको देंगे उनकी मदद भी आप करेंगे और ये आपका हक भी है ये आपके कि आप अपने भाई बहनों की जो मदद है वो करते रहें कुछ नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता से बात आप करने की योग्यता इस समय रखते हैं आप बिल्कुल बात कर सकते हैं उनको विश्वास में लेने का सही समय है तो कुछ ना कुछ आप यहाँ कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे भावुक फैसला भी इस दौरान आप ले सकते हैं नए रोमांच के बड़े अच्छे संकेत बने हुए हैं नया प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है और किसी अनजान व्यक्ति से बहस भी हो सकती है तो किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय थोड़ा सा संयम जरूर रखें स्वास्थ्य की बात करें तो ये समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा सही मात्रा में ऊर्जा है ज़रूरी व्यायाम करेंगे खुद को स्वस्थ रखने की अच्छी आदतों को अपनाएंगे और जब आप ऊर्जावान रहेंगे तो स्वस्थ महसूस करेंगे तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं प्रेम संबंध भी अच्छा है पारिवारिक जीवन भी अच्छा है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है बस बेकार की बातों में उलझने से आपको बचना है परिस्थिति आती अगर कुछ आपकी अनुकूल नहीं लगती है तो भी आप संयम बना कर रखेंगे हम बात करते हैं देखिए जो एकादशी तिथि है पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु की बहुत प्रिय एकादशी है इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करना शुभ होता है इस दिन कथा जरूर सुननी चाहिए इस कथा को सुने बगैर एकादशी अच्छी नहीं मानी जाती है एकादशी का फल नहीं मिलता है जो व्रत रखते हैं वो भी जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी और इस दिन नारियल जरूर भगवान विष्णु को आप अर्पित करें ये भगवान को आप भेंट देंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और जो भगवान विष्णु का मंत्र है उसका जप करते रहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बहुत ही कारगरी मंत्र होता है इन कार्यों को आप ज़रूर करें इस एकादशी का लाभ ज़रूर उठाएं साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें